हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोविडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम जो जगमोहन बलोकरा की वॉल्यूम वन बुक है उसका चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। चैप्टर टू द पीपल, जो फर्स्ट ट्राइब है वो है एंशियंट ट्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंशियंट ट्राइब, फर्स्ट ट्राइब है दशज। दशज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ये शिवालिक हिल्स में रहते थे, और जो इनके जो पावरफुल चीफ थे वो थे चमुरी, धुनी, सुषणा एंड पिपरू। याद रखने के लिए कोड यूज करना CDSP। नेक्स्ट ट्राइब है वो है किन्नौर। किन्नौर दो संस्कृत किन्नौर नहीं सॉरी फ्रेंड्स किन्नर टू दो संस्कृत वर्ड से बना है, वो है किम प्लस नरा। लुक लाइक ए हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स मैन, पीपल विद अशोमुखा, उसको घोड़े जैसा मुंह, मतलब पीपल विद अशोमुखा। ऋग्वेदा में इस ट्राइब के बारे में कोई रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन जो महाभारत और एपिक्स ऑफ कालिदास है उसमें इस ट्राइब के बारे में हमें कुछ रेफरेंस मिलते हैं। जो उनके जो पहले राजा थे वो थे प्रदुमना, सन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, एंड जो बुक है कुमार संभवा। कालिदास हैज ऑल्सो मैंशन अबाउट दिस ट्राइब इन दिस बुक। थर्ड है किरात। किरात के राजा शाम्बर और आर्यन के राजा देवोदास के बीच एक हिस्टोरिकल बैटल होती है, किरात अर्जुनिया, और ये बैटल 40 साल तक चलती है। बाद में जो किरात के लोग होते हैं इन्हें लोग मवाना और ममीज के नाम से भी जानते थे कुछ रीजन में, जैसे जमुना और सतलुज। जो आर्यन थे वो हिमाचल में आते हैं अराउंड 3000 से 2500 BC तक, और रावी रिवर को क्रॉस करके ब्यास वैली में पहुंच जाते हैं, और वहां पर लोअर शिवालिक हिल्स पर अपना रूल्स करते हैं। जो उनका पर्टिकुलर एरिया होता है रूल करने का वो होता है बैजनाथ, और जो ऋषि भारद्वाज होता है वो होता है एडवाइजर, सलाहकार होता है आर्यन किंग का। और एट द एंड जो किरात है इस बैटल में डिफीट हो जाते हैं, और जो आर्यन होते हैं वो 99 फोर्ट होते हैं उसको भी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, और शाम्बर और उसका एक फ्रेंड्स होता है या फिर एली होता है वर्ची, उसको भी मार देते हैं एक प्लेस उधवराज। अगली जो ट्राइब है वो है नागास, फेमस फॉर रिलेटेड टू स्नैक। उसके फेमस किंग थे वो थे वसुकी काली और तक्षका। तक्षक के बारे में महाभारत में भी मेंशन मिलता है। जो फेमस श्राइन डेडिकेटेड है नागास के लिए वो है नांगचल, रिवाल्सर लेक, कामरू नागा एंड ऑल आर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। जो फेमस उनका फेस्टिवल होता है नाग पंचमी, उसको सेलिब्रेट करते हैं मंथ ऑफ जुलाई। जो गॉडेस स्नेक है, जो सांपों की रानी माना जाता हुआ है मनसा देवी, और अब्बू वन एक हिस्टोरिकल टेंपल है जे एंड के में, ये भी नांग से ही रिलेटेड है। और शिबू का थान नूरपुर में, सलो पालमपुर में, अत्रिकपाल एक कांगरा में, कुछ स्नेक के फेमस श्राइन है। और टेम्पल केलंग नागा ये चंबा में है, ये भी नांग से रिलेटेड ही बाकी है। अगली ट्राइब है खशस। बृहद संहिता में बर्म मेहरा ने इस ट्राइब के बारे में मेंशन किया है, विद कुल्लत तंगाना एंड कश्निहारा एक जो इनहेबिटेंट थे कुल्लू रीजन के उनके साथ। और जो मनु है उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया था खश ट्राइब को विद खस्त्रिय के साथ। जो उनके ड्रेस होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। सो जो किन्नौर में है वहाँ के कुछ जो ड्रेसेस वो है गच्ची, जो दोनों मेन एंड वुमेन पहनते हैं कमर में, जिसको वेस्ट स्ट्रिंग कहते हैं, और एक छुब्बा एक लॉन्ग कोट होता है, और धोरू एक वॉर्म साड़ी। और कुछ अलग एरिया में जैसे टिप्पू जो स्क्राप पहनते हैं स्पेशली फॉर वुमेन्स, एंड अचकन ये ओनली जेंट्स।
मेरीज टाइप है, मेरीज तीन टाइप की मेरीज फेमस है कैसिस ट्राइब में, ब्या, प्रेनो एंड गदर। ब्या जो बाय सेटलमेंट्स और पेरेंट्स या फिर म्यूचुअल सेटलमेंट होता है दोनों साइड के पेरेंट्स के बीच में, प्रेनो टाइप ऑफ लव मैरिज। और जो गदर होता है जब ब्राइड गोज टू द हाउस ऑफ ब्राइड ग्रूम, जब दुल्हन चली जाती है दूल्हे के घर। टेकवा और व्याग आल्सो टाइप ऑफ मैरिज लेकिन नॉट इन एसपी, ये उत्तराखंड में फेमस है। और रिलीजन है फ्रेंड्स एक गूर, गूर एक वर्ड है जो रिलीजन में मेंशन किया गया है। जब विलेज गॉड होते हैं वो जो कुछ पार्टिकुलर मूड का प्लेस होता है उसके ऊपर जो आप डांस करते हैं तो उसको बोलते हैं गूर। जो स्क्रिप्ट ऑफ कम्युनिटी की है रिलीजन की, पास्ट में थी टांकरी लेकिन नाउ डेज इट इज इन देवनागरी। और जो वर्शिप के फोल्ड है कशिश ट्राइब के वो है तीन टाइप के, इष्ट गृह देवता एंड ग्रामा देवता। इष्ट फॉर इंडिविजुअल अकेले के लिए, गृह देवता फॉर घर के लिए और ग्रामा देवता फॉर विलेज के लिए। और रिलीजन जो कशिश ट्राइब का है वो है मिक्सचर है हिंदू और ट्राइबल का बिलीव का। और कम्युनिटी, कम्युनिटी में जो कशिश कम्युनिटी है वो खून वॉरियर की है, खून वर्ड महाभारत से लिया गया है। और कशिश मेनली दो टाइप के खून वॉरियर हैं, एक है शटा और एक है पाशा। शटा फोर्स 60% फ्रॉम द कोर ऑफ साइड एंड पाशा 5% फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइड। खशिश आर आल्सो मैंशन एज ए डेमोक्रेटिक इन नेचर, कि ये मतलब अपना जो जुडिशल सिस्टम वो खुद ही करते थे और अपने आप में ही किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को इलेक्टेड कर देते थे, जैसे मवी और मवाना को। और जो संस्कृत में उस मवाना को मेंशन किया है एज ए जनपदा। जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था मतलब व्यवसाय था वो था एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अगला है पिशाच, जिसे राक्षस ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट एंशियंट ट्राइब है वो है यक्षस, इसको महाभारत में मेंशन किया गया है। और ये ट्राइब है जो ट्रीज ऑफ गॉड के नाम से भी जानी जाती है। सो फ्रेंड्स दिस इज द एंशियंट ट्राइब। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।